ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित 6 लोग भारत में भी मिले हैं। ये सभी लोग ब्रिटेन से ही लौटे थे। सभी पीड़ितों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बेंगलुरु के NIMHANS में ब्रिटेन से लौटे 3 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया था, जिनमें से ये नया स्ट्रेन मिला है। इसके अलावा 2 लोगों का सैंपल सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलेकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में पॉजिटिव पाया गया। एक अन्य शख्स का सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में किया गया, जहां शख्स कोरोना के नए स्ट्रेन से पीड़ित पाया गया। मंत्रालय ने बताया कि इन सभी को अलग अलग आइसोलेशन में रखा गया है। बिहार में बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बने अभी महज 2 महीने ही हुए हैं। इसके बावजूद कई ऐसे मौके आए जब दोनों दलों के बीच रिश्तों में टकराव की खबरें सामने आई। हालांकि दोनों ही पार्टियां लगातार गठबंधन को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन अरुणाचल में हुए घटनाक्रम से जेडीयू काफी खफा है। वहीं जेडीयू के बदले तेवर को देखते हुए आरजेडी ने नया दांव चला है। आरजेडी ने जेडीयू को ऑफर दिया है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। इसके बदले आरजेडी नीतीश कुमार को साल 2024 में पीएम पद का उम्मीदवार बनाने में समर्थन करेगी। राजस्थान में हाड़ कपाने वाली ठंड का दौर जारी है, जहां मौसम विभाग ने इस संबंध में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने भी सर्दी के मौसम में लोगों को अपना ख्याल रखने के लिए कहा है, साथ ही हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि शीतलहर ने पूरे प्रदेश को घेर लिया है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 दिन में किसी भी तरह से राहत मिलने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इधर मौसमी बीमारियां बढ़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लिहाजा तैयारियों के साथ ही घर से बाहर निकलें। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना केसेस की संख्या 1,02,24,303 हो गई। बीते 24 घंटे में देश में 16,432 नए मामले सामने आए और 252 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 24,900 लोग ठीक भी हुए हैं।